हेलो एवरी वन वेलकम टू एम्बीशन लॉ इंस्टीट्यूट आई एम आस्था सिंह एंड वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो तो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो लेट्स स्टार्ट आर वीडियो सो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी आर्टिकल फोर्टीन विच इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ सो लेट्स स्टार्ट ओके एवरी वन तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि हमारे पास में ना छह तरह के फंडामेंटल राइट्स गिवन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो अब जो हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स गिवन है ना तो पहला जो फंडामेंटल राइट right हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट इक्वालिटी तो हमें इक्वालिटी का एक फंडामेंटल राइट right जो है वो गिवन है विच टॉक्स अबाउट वॉट राइट टू इक्वालिटी कि इक्वली राइट्स मिलने चाहिए सभी सिटीजन्स को राइट right? गिवन है इक्वल राइट सभी सिटीजन को गिवन है सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज आर्टिकल फोर्टी अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना वो आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर के आर्टिकल थर्टी फाइव के बीच में गिवन है तो आपको ये चीज पहले तो याद रखनी है दैट द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल ट्वेल्व से लेकर के आर्टिकल थर्टी फाइव के बीच में गिवन है हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स और उसके बाद में हमारा पहला फंडामेंटल राइट right है राइट टू इक्वालिटी का जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विच राइट टू विच इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी फॉल्स अंडर आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन तो आज के वीडियो में हम आर्टिकल फोर्टीन की बात करेंगे विच इज अबाउट वॉट विच इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ लेट स्टार्ट दिस आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गिवन है बैराक में हमारे दट द स्टेट शेल नॉट डिनाय स्टेट क्या नहीं कर सकता है स्टेट शेल नॉट डिनाय टू एनी पर्सन कोई भी इंडिविजुअल हर सिटीजन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया तो देखो यहां पर दो बातें हो रही हैं स्टेट क्या नहीं कर सकता है डिनाई नहीं कर सकता है दो चीजें पहली चीज क्या है पहली चीज है एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ किसी भी इंडिविविजल को इक्वालिटी के लिए डिनाई नहीं कर सकता है बिफोर द लॉ और दूसरी बात यहां पर ये हो रही है दैट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कि लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो आपको ये याद रखनी है कि ये जो राइट्स है ना ये जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए भी गिवन है और अगर कोई सिटीजन किसी दूसरी कंट्री का उस समय पर इंडिया में आता है तो ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उसे भी गिवन है दोनों तो जब आप बेर में ये पढ़ोगे ना दैट द स्टेट शेल नॉट डिनाई तो आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि स्टेट क्या क्या डिनाई नहीं कर सकता है पहली चीज जो स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है वो है एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ लॉ से पहले इक्वालिटी अब देखो हमने हमेशा ये पढ़ा है थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट्री है अगर आप इसे ऐसे समझो तो इसलिए ऐसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहा गया है जो मैं आपको आगे बताऊंगी अभी इसी वीडियो में लेकिन जो इक्वालिटी हम लॉ को सुप्रीम मानते हैं राइट कि लॉ सबसे ऊपर है जस्टिस सबसे ऊपर है सुप्रीम होता है लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है दैट द इंडिविजुअल द सिटीजन शुड बी गिवन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नेक्स्ट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस तो क्या होना चाहिए का इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए एक पॉजिटिव बताया गया है जो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या है तो आपको देखो ये याद रखना है जब आप जब भी आप बेरा से पढ़ोगे दो चीजें कि पहली आपको ये याद रखनी है द स्टेट दल नॉट डिनाय स्टेट क्या डिनाई नहीं कर सकता है एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ विच इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया ये भी आपको याद रखना है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो राइट right है ना दिस राइट right, this specific, these two rights, they are available to citizens as well as the non-citizens। यानी कि उस समय पर अगर इंडिया में कुछ visitors आए हुए हैं जो कि किसी दूसरी country के हैं जो non-citizen हैं जो Indian citizens नहीं हैं, उनको भी ये right given है सो इट गारंटीज इज इक्वाली बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस टू एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ अंडरस्टूड तो आर्टिकल फोर्टीन किस चीज के बारे में बात करता है आर्टिकल फोर्टीन टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी जो कि लॉ से पहले है इक्वालिटी को सुप्रीम रखा जा रहा है यहाँ पे बट हम वैसे क्या मानते हैं दैट हमारा लॉ जो है वो सुप्रीम है तो so आपको ये यह यहाँ पर याद रखना है लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट लाइट तो मैं आपको ना यहाँ पर देखो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही थी हमने अभी ये जान लिया कि हमें ये बताया गया है आर्टिकल 14 में दैट देयर आर टू थिंग्स अब देखो उसमें पहली चीज़ जो है ना इक्वालिटी बिफोर लॉ की उसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है वाई विच इंप्लायज एबसेंस ऑफ एनी प्रिवलेज अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या इंप्लाय कर रहा है ये एबसेंस ऑफ एनी प्रिवलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में एंड द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू लॉ इट मीन्स दैट द प्राइम मिनिस्टर और पीजेंट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ अब देखो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कितनी बड़ी होती है राइट right? एक प्राइम मिनिस्टर जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी जो पोस्ट होती है उसको कितनी बड़ी पोस्ट माना गया है या प्रेसिडेंट कंसीडर कर लो या ऐसे भी जो बिगर अथॉरिटीज पे लोग होते हैं पॉलिटिकली उनकी अथॉरिटी होती है ना कुछ अब प्राइम मिनिस्टर कितनी बड़ी पोस्ट है लेकिन एक पीजेंट है वहीं पे जो एक देश का नागरिक है सिटीजन है तो इन दोनों को ना इक्वल कर दिया गया है तो इसीलिए लिए इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला गया है क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर और एक पीजेंट लेकिन उनके लिए क्या है इक्वालिटी है बिफोर लॉ लॉ की बात अगर वो प्राइम मिनिस्टर कोई क्राइम कमिट कर दे तो उसको भी वही सेम सजा मिलेगी जो उस पीजेंट को मिलेगी तो ये बात यहां पर बताई जा रही है तो इक्वालिटी है बिफोर द लॉ इक्वल राइट्स है इक्वल प्रोटेक्शन गिवन है सो दिस इज वॉट दिस टर्म इज अबाउट दैट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना गया है क्यों माना गया है बिकॉज इट मीन दैट द प्राइम मिनिस्टर और पीजेंट ऑल आर एट इक्वल

उनको तो इक्वली ट्रीटेड करा जा रहा है एंड अनईक्वल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली इट मींस दैट ऑल लॉज कैन नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे है इक्वल्स को तो इक्वली ट्रीट करा जा रहा है लेकिन जो अनईक्वल है उनको डिफरेंटली ट्रीट करा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल आप एक इसको एक इस एग्जाम्पल से समझो आप देखो हमारे देश में ना हमारी कंट्री में स्पेसिफिकली रिजर्वेशन कितना ज़्यादा गिवन है उन लोगों को जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी में आते हैं खैर है इस पर काफ़ी डिबेट्स भी होती हैं कि अब हमें रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए और रिजर्वेशन uh, को कास्ट के बेसिस पे ना रख के इस बेसिस पे रखना चाहिए कि जो लोग जेन्यूनली सोसाइटी में मार्जिनलाइज है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन की कैटेगरी में आते हैं तो फिर हमें उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए विच इज़ अ स्टिल मैटर ऑफ डिबेट इन आर कंट्री लेकिन यहाँ पर देखो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि इक्वल्स तो इक्वल है लेकिन जो लोग इक्वल नहीं है उनको डिफरेंटली ट्रीट करा जा रहा है और लॉज यूनिफॉर्मली नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो रिजर्वेशन मिलता है ना एग्जाम्स वगैरह में भी आप देखते हो हर जगह या बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पर क्या मिलता है रिजर्वेशन दिया जाता है किन लोगों को जो कि डिफरेंट है इक्वल नहीं है उन्हें एक मार्जिनलाइज सेक्शन बताया गया है सोसाइटी का तो इस बेसिस पे उन्हें क्या दिया जाता है रिजर्वेशन तो ये इसका एक एग्जाम्पल है सो इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अब देखो आर्टिकल 14 से रिलेटेड ना इक्वालिटी बिफोर लॉ मेरे पास आपको समझाने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं ये लैंडमार्क केस लॉज हैं तो आपको ये दोनों तो बिल्कुल याद ही रखने हैं अब पहला केस लॉ है जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दो चौदह तो ये जो केस था ना इसमें बेसिकली आप आपको भी इस केस के बारे में पता होगा ये बहुत हाईलाइटेड केस था जिसमें कि क्या हुआ था uh, जब 377 को ह, हटाया गया था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था तो क्या मिल गया था जो एल जी बी है उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया था जब 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया तो ये वही केस है तो ये ना एक लैंडमार्क जजमेंट था उस समय का द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच डिक्लेयर ट्रांसजेंडर पीपल थर्ड जेंडर क्या करा उन्होंने ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड जेंडर बताया और अफर्म करा अफर्म दैट द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी इक्वली एप्लीकेबल अब जो भी फंडामेंटल राइट है ना कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे टू दैम एजें हम इसमें थर्ड जेंडर बता रहे हैं और उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिला है एंड गेव देम द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर जेंडर एज मेल फीमेल और थर्ड जेंडर तो अभी भी आपने इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार जब आप कोई फॉर्म वॉर्म फिल करते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें करते हो फॉर्म्स स्पेसिफिकली फॉर्म्स में आपने ये बहुत नोटिस करा होगा कि पहले सिर्फ मेल और फीमेल का जेंडर में एक सेक्शन गिवन होता था बट अब थर्ड जेंडर का भी एक सेक्शन गिवन होता है हर फॉर्म में जब आप कुछ फॉर्म फिल करते हो तो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ दिस केस तो आपको ये केस याद रखना है कौन सा केस है ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, केस है और लैंडमार्क जजमेंट है दूसरा केस जो मैं आपको बता रही हूं तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दिस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जिसको हम सबरीमाला केस uh, भी बोलते हैं देखो अब ये केस देखो मैं आपको बता दू सबरीमाला एक टेम्पल हुआ करता था ना केरला में तो क्या होता था बेसिकली जब वुमेन का मैं का टाइम होता है तो उनको टेम्पल में विजिट करना अलाउड नहीं था उस समय पर तो इससे ना uh, असंविधानिक uh, बताया गया इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट right गिवन है इक्वालिटी का उसको वॉयलेट करता है और फिर उसके बाद में अलाउ हो गया था जाना टेंपल में तो ये बेसिकली इसी बारे में है कि आपको याद रखना है कि जब क्या होता था टेंपल्स में वुमेन को अलाउड नहीं था जाना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैंशन सो कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू रिलीजन टू एवरी परसन इस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर सच एक्सक्लूजनरी कस्टमरी प्रैक्टिस जो कि पुराने समय की कस्टमरी प्रैक्टिस ही तो है ये कि पुराने समय में से फॉलो करा जाता था राइट वॉयलेट्स राइट ऑफ वुमेन तो क्या कर रही है ये वॉयलेट कर रही है राइट right को किसके राइट right को वुमेन के राइट right को टू विजिट अ पब्लिक टेम्पल टू फ्रीली प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन एंड टू एग्जिबिट हर डिवोशन टूवर्ड्स लॉर्ड अयप्पा तो वो टेम्पल जो था ना वो लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल था तो बेसिकली यही इस जजमेंट में बताया गया था और मैंने आपको केस के बारे में बता दिया कि क्या हुआ था तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है लैंडमार्क जजमेंट है आपको याद रखनी है दिस इज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला जिसे हम सपरमाला केस भी बोलते हैं और ये सपरमाला टेम्पल था सो दिस इज द इम्पोर्टेंट केस यर ओके एवरी वन सो दैट सेट फॉर आर टूडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आपको आर्टिकल फोर्टीन का एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा और ये दोनों केसेज आपको समझ में आए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपको याद रखनी है और आप इन्हें कहीं पर नोट भी कर लेना और आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई विल सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो